हेलो गाइस, कल उज्जवल का बर्थडे है तो आज मैं इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए केक लाया हूँ चुपचाप से। एक्चुअली इसके मम्मी और भाई जो है ना वो चंडीगढ़ में है, तो इधर हम दो ही है। तो मैंने इससे मोबाइल लिया है इस बहाने से कि भाई मैं मम्मी को ज़रा फ़ोन करता हूँ, मैंने जो है ना इसकी वो रिकॉर्डिंग करनी थी। मैं तो इसलिए लिया, एक केक लेके आया हूँ उसके लिए। कर लेते हैं केक कटिंग दोनों मिलके। टाइम लगभग 12 बजने को सिर्फ 2 मिनट बाकी बचे हुए हैं। मेरा ख्याल में इसको अब कॉल कर लेता हूँ कि भी आके केक कटिंग कर लेते हैं। केक तो कोई है नहीं घर पे, बाकी सब लोग इधर उधर है। हेलो। हाँ जी, मैंने देखो ये केक लाया था इसके उज्जवल के बर्थडे के लिए, और अच्छा साथ ही साथ जो है ना मैंने मम्मी और शिवम को भी फेस टाइम मिला दिया है। अब लगभग अब टाइम हो चुका है, तो अब उसको बर्थडे बॉय को बुला लेते हैं। अब हम साथ नहीं हो सकते तो फेस टाइम ही करना हाँ, फेस टाइम से पड़ेगा। गुजारा चला लेते हैं, अब क्या करना। हाँ, वक्त की नजाकत को देखते। उज्जवल आओ तो जरा, फेस टाइम किया हूँ मैंने, मम्मी बात करना चाहती है तेरे से। हाँ ये क्या है जी? ये है जी, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, कब लाए पापा के काम में? हैप्पी बर्थडे। रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हो? क्या बात है, साथ में फेस टाइम भी। थैंक यू भाई, थैंक यू, लो जी। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ये सरप्राइज किसने प्लान किया, कब किया? और यार प्लान करने वाला ये है जो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। करना पड़ता है। मेरे को ऑर्डर किया तो मैंने ले आया। क्या बात है, क्या। और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो पापा, यार पहली हाँ। बार, क्या बात है। हाँ। क्या बात है, मेरे को इन्होंने फटाफट भेज दिया, अब मैं पकड़ लूं पापा कैमरा, चलो है ना। और लाइट भी जला लेते हैं ताकि क्लियर। तो यार पापा मेरे से फोन पकड़ा स्पेशली कि मैंने मम्मी से बात करनी, मुझे फोन दे दे। मैं ठीक है जी, और जा तू ग्रीन टी बना ले। मुझे क्या पता था मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है भाई, केक केक सजा दिया गया, फेस टाइम कर दिया गया। Birthday to you. Thank you जी, Happy thank you, thank you, thank you, thank you, God thank bless you. So much. Thank you जी, thank you, thank you so much. मैंने इस बार ही सोचा था कि यार मैं बर्थडे, मतलब मेरे को खुद कुछ था ही नहीं इस बार की एक्साइटमेंट है। चल चलो थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आप सबको भी थैंक यू यार, आप सबने इतना सब ऑर्गेनाइज करवाया मेरे लिए। नहीं भाई, तब भी यार ये थॉट रखने बहुत बड़ी बात है यार, कहाँ वरना। और स्वाद है केक, पापा बड़ा स्वाद केक लाया यार पापा। हाँ बहुत ही बढ़िया है। और तो क्या कर सकते वगैरह। नहीं भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम्हें तो खिला नहीं सकता, पार्सल कर दूं। कोई नहीं, तुम्हारे लिए वही भिजवाते हैं, वही तुम्हारे को ऑर्डर करवा दूंगा। आज इस मौसम में पता नहीं क्या हुआ है, मेरे जन्मदिन के दिन पर आज ये क्या करना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ ज्यादा घनघोर हुआ है। तो गाइस फाइनली अब जा पर आ चुका हूँ मैं, और आज है मेरा जन्मदिन। पता नहीं यार इस बार ही पता नहीं कुछ फील ही नहीं था कि मेरा बर्थडे आ भी रहा है। पिछले कल तक मुझे लग ही नहीं रहा मेरा बर्थडे भी था, सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था अब ये है एक दो दिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आज पापा ने रहे थे, स्पेशली पापा मेरे लिए। बड़ा ओवरवेलमिंग था यार कि ये देखते हुए ना कि पापा ने रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे लिए, और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली केक लाया, तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था यार। और ये सब प्लान किया हुआ ऑब्वियसली मम्मी भैया का ही होगा, और पापा को जस्ट बोला होगा कि ये करना है आपने, और फिर ऊपर से रिकॉर्डिंग के लिए पापा जो भैया बोल रहा था कि वो पापा के दिमाग में खुद ही आएगा। पापा ने एक इनिशिएटिव लिया,
स्पेशली मेरे लिए कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, क्यों ना ये छोटा सा मोमेंट भी कैप्चर किया जाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बट अब एक तो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ गई, देखो थ्रू फेस टाइम मैं उनके साथ कनेक्ट हो पाया, विश किया उन्होंने मेरे को एक साथ मिलकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या टाइम आ गया ना वैसे, इतने दूर होकर भी आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके साथ ही है। जो बाकी फैमिली मेंबर्स थे सारे बिजी है यार, मतलब स्पेशली तो जो मेरे भाई लोग हैं ना, जैसे रोनी भैया हो गए, अक्षय भाई हो गए, साहिल हो गए, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे मेरे बर्थडे के लिए कि तू कर क्या रहे, कुछ ना कुछ तो एक्साइटिंग कर रहा होगा, तो उनको बड़ी उम्मीद थी मुझसे। बट मेरा ऑल ऑफ अ सडन यार शिमला का प्लान बन गया यार, और फिर उन लोगों का वैसा हो गया यार, तू तो भाग गया। मैंने कल का मतलब मेरे थोड़े बहुत प्लान बन गए जो सोचा, अब देखते हो एग्जीक्यूट होते हैं कि नहीं। के लिए अभी के लिए लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो गया और मैंने काम भी करना है। तो मिलते हैं अब आपको कल, गुड नाइट, टाटा बाय। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग, होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं वीडियो को सो वेलकम टू द लेक के व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज मेरा बर्थडे व्लॉग। आज के दिन की शुरुआत गाइस हो गई है, मैं काफी ज्यादा लेट उठा हूँ। दिन क्या हुआ कि मैं पहले उठा, मेरी नींद खुल गई थी अराउंड 9 बजे, मतलब फोन आ रहे थे लोगों के, अच्छे बात की। फिर मैं ना देखने लग गया इंस्टाग्राम पे लोगों की विशेज, उनके रिप्लाई करने लग गया, व्हाट्सएप पे जो विशेज आ रही थी उनके रिप्लाई करने लग गया। और पता नहीं विशेज कि रिप्लाई करते करते मुझे कब नींद आ गई, मुझे उसका पता ही नहीं लगा। ऑलमोस्ट 10:30-11 हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। और आज का प्लान कुछ ऐसा है, मैंने जाना है मॉल रोड, नीचे जाता हूँ, खाता पीता हूँ, नहाता धोता हूँ, तैयार होता हूँ, फिर निकल जाता हूँ, फिर मिलूँगा अब आपको डायरेक्ट। तो गाइस फाइनली अब जाके निकल रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। अभी हमें मिलेगा कौन, अपना दोस्त कौशल, वो है साथ जाने वाला। शुरू हो गया कि आ गया हो गया भाई, आज अपना रात चलेगा, मगर खाली है अपनी जेबें तो कुछ नहीं चलेगा आज। बस पार्टी देनी है, इसने बड़ा कंजूस आदमी है यार। इसका भी अभी 28 अप्रैल को इसका बर्थडे निकला है, इसको मैंने 2-3 बार बोला भाई मिलने आ जा, मिलने आ जा, नहीं नहीं भाई चंडीगढ़ से, अब मैं शिमला हूँ, चंडीगढ़ भी आया था मैं, समझा, स्पेशली बोल रहा था मैं भाई चंडीगढ़ भी आ रहा हूँ मिल ले, नहीं भाई मैं अभी वहाँ हूँ, वहाँ हूँ भाई, बर्थडे वाले दिन पार्टी, बर्थडे वाले दिन, आज तो तेरा है, आज तेरी बनती है, आज मैं हूं। तो देखो पार्टी होगी तो दोनों की साथ होगी, वरना पार्टी नहीं होनी भाई। 17 मई आज 28 अप्रैल पे चला गया पेंडिंग, तो स्पेशली इसको लिखा था पेंडिंग पार्टी मैंने, जब मैसेज भी किया था भाई फिर तो तेरी भी पेंडिंग हो जाएगी कर लेते एक हफ्ते बाद, ठीक है तब तक पैसे इकट्ठे भी कर लेते, क्या बोलता है भाई। अभी का सीन कुछ ऐसे, अभी जा रहे हैं मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा करवाएंगे, दर्शन करेंगे, थोड़ा चढ़ावा चढ़ाएंगे, फिर कुछ और करें। के लिए अच्छा है, हाँ स्किन के लिए नहीं लगा रहे, स्किन के लिए अच्छा नहीं है, नहीं नीचे के पानी से बाल ज़्यादा खराब, स्किन के लिए ठीक है, बालों के लिए खराब। मॉल रोड है, मॉल रोड खाली लग रहा है, ज़्यादा रश है नहीं क्योंकि वीकडे और कल ही छुट्टियाँ ख़त्म हो गई सबकी, तभी आज हमारे पास मौका है कुछ कर दिखाने का। कौशल पार्टी देगा तो मैं भी देगा तो मज़ा आ जाएगा भाई, देख रहे हो कितना कंजूस आदमी अपने बर्थडे वाले दिन भी ऐसा बोल रहे। देखो भाई अपना चलता है रेसिप्रोकल, एक हाथ चलो दूसरे हाथ से दो, ये क्विड प्रो क्वो वाली अच्छी बात नहीं है भाई, तुम्हें खुला मौका दे रहा हूं, कर ले तू बेइज्जती कर ले जितनी करनी है, आज तो नहीं, आज तो मैं हलाल करते हैं। अभी हमारा डिसाइड हुआ है कि हम जा रहे हैं कालीबाड़ी मंदिर, वहीं देखते हैं, वहीं पूजा करवाएंगे, वहीं दान करेंगे, कर पूजा करवाते हैं, शुभ दिन है, शुभ दिन को शुभ मनाते हैं। और ज़्यादा हमने कुछ ज़्यादा प्लान किया नहीं था, पता भी नहीं था कि आएगा भी, मैं तो यही सोचा था अकेला आऊँगा। और भाई जिस एरिया भी हम आए हैं यहाँ बंदर इतने होते हैं ना, और डेंजरस भी हर कुछ होते हैं, अटैक करते हो ना शर्माते ना घबराते, अब मैं फोन अंदर ही रख लेता हूँ भाई, मेरे को पकड़ के खींचा ना भाई भाई सबसे ज़रूरी चीज़, कभी भी आप शिमला आ रहे हो और स्पेशली ऐसे इलाके आ रहे हो जहाँ बंदर ही बहुत ज़्यादा है, तो आपने एक चीज़ करनी है, डरना नहीं है पहली बात तो यार, क्योंकि ये भांप लेते हैं आपको कि आप डर रहे हो, अगर तब आपके ऑर्डर आते हैं, अगर आप निडर हो गए चले रहोगे बिना देखे इनको तो ये कुछ नहीं करेंगे। बाकी आप इसके साथ चलोगे तो इसके तो दोस्त ही है सारे, अरे अपने जैसे दिखते हैं भाई अपने यार। Nice. तभी हम सोच रहे थे जाखू भी जाएगा आज, मैं तो मैं ऐसे चले जाता ना सचल के साथ ही, मेरे को नंगा करके भेजते बंदर, ऐसे बेशरम बंदर है ना, जेबे तक खोज के निकालते कि अगर कुछ खाने के लिए है कि नहीं, और फिर क्या करेगा अगर कुछ खाने के लिए नहीं मिला ना, जैसे मेरे जेब में फ़ोन है तो ये ले जाएंगे, और जब तक मैं खाने के लिए कुछ नहीं दूंगा ना उनको तब तक भाई छोड़ते नहीं फ़ोन। कितने का, नहीं छोटा चाहिए मुझे ज़्यादा, हाँ ये ले लो, हाँ ये कर लो, कितने का, 30 रुपये। तो अब आगे हम काली माता मंदिर, तो भाई चलो आप चलते हैं अंदर यार। यहाँ देखो सबसे पहले है शूज रखने के लिए जूता घर, पता नहीं कितने टाइम बाद आ रहा हूँ यार यहाँ अंदर, रखियो भाई पुक्का बंदर मेरे को यहाँ भी दिख रहा है, क्योंकि और एक सामने ही है ये
ऐसा भी दिखता है हमारा काली बाड़ी, बहुत ही पुराना और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और काफ़ी जाना माना मंदिर है। और ये है अपना मेन शिमला, यहाँ से व्यू हर कुछ आता है। If I could stop the time, don't you know that I would, cause I'm just loving. बाकी ये जो आपको रोड दिख रहा है एडवांस स्टडी को रोड, और ये पूरा आर्मी एरिया, ये सामने है अपने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल। काफ़ी अच्छा मंदिर है। एक तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद हूँ, मुझे याद है मैं यहाँ ना ट्यूशन पढ़ता था पहले 7th क्लास में, यहीं क्या बोलते हैं इस मंदिर के साथ ही थोड़ा आगे जाके सुबह सुबह आता था भाई, और इतने बंदे रोते थे उस टाइम, जल्दी फ्री हो जाता था। फिर मेरे भाई की ट्यूशन होती थी तो मैं वेट करता था पापा के ऑफिस में, तो पापा मुझे भेज देते थे कभी कुछ खाने के लिए कभी कुछ खाने के लिए। तो गाइस फाइनली हमारी पूजा भी हो गई है। पहले पंडित जी थे नहीं, हमारे को लगा पूजा हो नहीं पाएगी, मगर पंडित जी आ गए कुछ टाइम बाद। कि अभी सीन ऐसा, अब सोच रहे हैं मैं और कौशल करे तो करेंगे, कुछ अलग करते हैं। ऐसा हम आगे मॉल रोड पे सब पूजा वगैरह करवा के, और अभी कुछ ऐसा प्लान हो रहा है, मैं और ये सोच रहे हैं अब चलते हैं एडवांस स्टडी। एडवांस स्टडी जाने के रास्ते कौन से, तो दो रास्ते देखो आप, एक ऊपर होके भी जा सकते हो जहाँ से आप काली बाड़ी अंदर भी जाते हो, और एक ये रास्ता है जो नीचे डीसी ऑफिस की तरफ जाता है, तो ये रास्ते एक ही जगह आगे कनेक्ट कर जाएगा। टू ऑप्शंस फ्रॉम हेयर, फ्रॉम स्कैंडल पॉइंट। फिर यहाँ से कितना किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एस्टीमेट हम दोनों को याद नहीं है प्रॉपर के कितना टाइम लग सकता है हमें। फिर वो है कि अभी ना डाउन हिल है सारा, वापस में आपको थोड़ा अपहिल पड़ता है। वापस में हमने सोचा है वापस में टैक्सी में आगे, अभी चलते हैं यहाँ से पैदल। तो भाई यहाँ दंगे चल रहे किसी चीज़ के, दंगे नहीं यार पता नहीं कुछ दंगे वही ना, कहीं उल्टा मेरे ऊपर ही ना पड़ जाए। तो 2019 के बाद पिछले 3 सालों के अंदर एक बार भी बैंक की भर्तियां नहीं हुई है, एक बार भी सेना की भर्तियां नहीं हुई है, एयरफोर्स के अंदर कोई भर्ती नहीं हुई, नेवी के अंदर कोई भर्ती नहीं हुई। रिपोर्ट सार्वजनिक की थी संसद के अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया, अभी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना उसकी वजह से काफी आराम पड़ रहा है, वरना डायरेक्ट धूप तो भाई मार देती है। पार्टी स्टार्ट नहीं हुई अभी तक पार्टी एडवांस स्टडी करवाता हूँ, चल यार म्यूजियम दिखवाता हूँ तुझे आज। ये देख रहे हो कैसी पार्टी दे रहा है भाई, हम इंटेलेक्चुअल लोग कुछ नॉलेज गेन करेंगे हम जरा नहीं किए कभी क्रॉस कंट्री हो, तो क्रॉस कंट्री कितने 3-4 साल की है आया कुछ कभी तेरा। हमारी ना क्या बोलते क्रॉस कंट्री रेस भी होती है यहाँ आगे से शुरू, सिसिल होटल आते हैं इसी रास्ते में आगे ना, वहाँ से शुरू होती थी। टोटल 5 किलोमीटर की सिसिल से हमारे स्कूल सेंट एडवर्ड्स तक, तो रास्ता हमारा यही रहता था जिसपे अभी हम चल रहे हैं, 1 बजे शुरू होती थी वो। और भाई साहब जो बैंड बजती थी सुबह सवेरे बंदे कहीं तो खाने लग जाते थे। तो गाइज ये है अपनी रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, साथ में आगे को ये एजी ऑफिस मेरे को कौशल डरा रहा है, बोलो देखियो फोन ही ना ले जाए तेरे खाने के उससे, और इस तरह से घूर रहे ना बंदर हमें भाग तो मैं जाऊँगा कौशल फोन क्या मुंह के सामने तो दिख ही जाएगी जब आ रहे होगे, ऐसा तो है नहीं आंखें बंद करके होऊंगा। ये है एजी ऑफिस इसकी बिल्डिंग, एक बार एजी ऑफिस की बिल्डिंग में आग भी लगी थी, पूरी बिल्डिंग राख हो गई थी भाई, पूरी बिल्डिंग राख, कुछ नहीं बचा था यहाँ। यहाँ से देखो दो जगह और को भी जाते हैं, ग्लेन और चैडविक फॉल। काफ़ी लोगों ने सुना होगा आप में से, चैडविक फॉल एकमात्र वाटरफॉल शिमला के लिए होगा, वो भी नहीं रहा होगा सही में, सूखा क्या होगा बेचारा। रिज पे नहीं थी, नई बन गई है क्या इस स्टेट लाइब्रेरी, पता नहीं कब बनी है, वैसे रिज पे होती थी वो जो क्राइस्ट चर्च है उसके साथ ही है बिल्कुल स्टेट लाइब्रेरी, अब ये नई कब बनी है पता नहीं, मगर काफ़ी ज़्यादा सही है यार, नाइस यार, पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी दिख रहे हैं मुझे अंदर यार,
मोटिवेशन आ रही है कि हमें पढ़ना चाहिए ऐसे जाते हैं। पढ़ने है। बर्थडे पे पढ़ लेते तेरे। आगे है हम सिसल होटल और सामने जो आपको टार दिख रहा है ये है टीवी टार और ये है अपना सिसल होटल। देखो अभी फिलहाल अंदर तो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। अच्छा बाद में कभी मैं और कौशल आराम से एक कमरा बुक करेंगे तब आएंगे। मेरी पार्टी एडवांस स्टडी की इसकी सिसल की वाह बात तो जमेगी है। You're bad boys, bad boys. You're bad boys, bad boys. थक गया। माम कितने दिनों बाद चला है। सही बात है अब हम दोनों को आदतें नहीं रही भाई। चलो मैं तो अभी कुछ टाइम से शिमला घूम ही रहा था ये बेचारा चंडीगढ़ ही था ये भी बेचारा थक गया आज। टिकट भी मिलेगी यहाँ सोविनियर शॉप भी है यहाँ से आपको टिकट्स मिलेगी और यहाँ खाने पीने के लिए भी शहर से छोटी सी कैंटीन सी है तो यहाँ भी आप कुछ खा पी सकते हो। बाकी यार देखो अगर आपने म्यूज़ियम विज़िट करना है तो उसकी टिकट है अराउंड 200 मतलब 100 पर पर्सन और अगर आपने बस यहाँ बाहर ही घूमना है तो वो है 30 पर पर्सन और वीडियोग्राफी आपकी यहाँ तब भी आप थोड़ी बहुत कर सकते हो फ़ोन के थ्रू अंदर तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। हियर इज़ द एंट्री फॉर एडवांस स्टडीज बेसिकली बाहर की टिकट ली यार क्योंकि अंदर के लिए फिर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगना था। चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इसमें ना फिसल रहा है लिटरली। मैं शॉर्ट्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ मगर यहाँ फिसलन इतनी हो रही है इनके ऊपर क्या करें। ओ भी परिक्रमा करनी पड़ती है कैफे मोटी बुक्स है भाई यहाँ बुक्स का भंडार ही भंडार है और ये सारी पुरानी बुक्स होनी नई भी हो सकती है बट दिस इज द रियल पावर नॉलेज नॉलेज इज द रियल पावर है ना। सही बात है क्वेश्चन नेट पे पीडीएफ तक नहीं मिलेगा है ना इन बुक्स का ये एक ही कॉपी होगी और यहाँ पे इसका नाम एडवांस स्टडी है क्योंकि यहाँ जो बुक्स यहाँ है ना वो कहीं नहीं है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती आपको ना कोई कॉपी मिलेगी ना कुछ। और ऐसी ऐसी बुक्स हैं ना भाई यहाँ टाइम ट्रैवल के बारे में है और क्या बोलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। हम थोड़ा यार जो मेन एडवांस स्टडी की बिल्डिंग है उस लेफ्ट साइड हुए थे और यहाँ क्योंकि यहाँ अच्छा से एक लॉन्स है और यहाँ बैठने के लिए सिटिंग एरिया कितना ही ज़्यादा अच्छा देखो ग्रीनरी से भरा हुआ पेड़ ही पेड़ और फिर भी हवाएं चल रही है इस टाइम और बिल्कुल ठंडक हुई हुई है हल्की हल्की धूप एक नंबर में लगी दुनिया है भाई यहाँ की तो ऐसा लग रहा है किसी फॉरेन लैंड में पहुँच गए हम क्यों ऐसा यूरोप आ गया हम बहुत ही रिच और काफ़ी वो क्लासी वाली फीलिंग आती है यहाँ आगे भाई आगे आगे तक के कुछ क्या है ना ये सामने अच्छे तो पूरा एक गार्डन सा है भाई विच इज़ क्वाइट ऑसम ब्रदर है ना। पहले होती भी कहाँ थी नहीं भाई क्योंकि जब पहले मैं आया हूँ ये सब कुछ नहीं था उस टाइम पे है ना जंगल ही जंगल था वो तो पूरा बना दिया नाइस है। कितने बचपन में स्कूल टाइम में भाई जब मैं 8th 9th में था 2012 तो ले लो ऑलमोस्ट 10 साल भाई तो भाई मज़ा आ गया वैसे यहाँ आगे यहाँ से भी देख लो एक बार व्यू कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लगती है बिल्डिंग तो स्पेशली और काफ़ी अच्छा भी बना दिया इन्होंने स्पेशली तो ये जो छोटे छोटे पार्क से बना दिए छोटे छोटे लॉन से बना दिया ना इन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सिटिंग एरिया इतने हो गए लोग यहाँ आराम से बैठे हैं हमें आते आते तो कुछ पता लग नहीं रहा था दर्दों का अब जाके फील हो रही है भाई मस्ती मस्ती में तो आ गए हमें चलो मगर अब भारी पड़ रहा है 5 ऑलरेडी बज चुके हैं अब टैक्सी मिल जानी चाहिए बस ताकि वापस जल्दी पहुँच सके। अरे बोलो मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं बचे ओनली 1% लेफ्ट ध्यान नहीं दिया मैंने बैटरी पे भाई पूरी चार्ज करके लाया था घर से मगर ये जो अभी शॉर्ट्स लिया ना उसके चक्कर में सारी बैटरी मर चुकी है मेरी तो अब ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे नहीं अब ऐसे वापस ही जाने।